यूपी टीईटी पेपर लीक हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द हो गई है, सॉल्वर गैंग के कई सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सॉल्वर गैंग के कुछ ऐसे सदस्य हैं जिन्हें गिरफ्तार भी किया गया है और इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपकी चुप स्क्रीन पर है और परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, कई गैंग के सदस्य भी गिरफ्तार किए गए हैं, ये इस तक पहुंचा रहे हैं। पहले इस तरह की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन प्रशासन की कोशिश थी कि इस परीक्षा को लेकर तमाम कदम उठाया जाए, कई जगह कैमरास भी लगवाए गए, लेकिन उसके बाद भी खबर इस तरह की सामने आई है कि परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द हो गई है, ये बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। पेपर लीक होने की खबरें सामने आ रही है, इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, सॉल्वर गैंग के कई मेंबर्स गिरफ्तार किए गए हैं, पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि एक महीने बाद परीक्षा दोबारा से होगी, अभ्यर्थियों को दोबारा नहीं देनी होगी कोई भी फीस। टीएफ इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मथुरा गाजियाबाद बुलंदशहर के व्हाट्सएप ग्रुप पर ये पेपर वायरल हुआ था, ये बड़ी खबर है। परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है, लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये परीक्षा अब एक महीने बाद होगी और अभ्यर्थियों को दोबारा से कोई फीस नहीं देनी होगी। लेकिन पेपर कैसे लीक हुआ, कौन कौन इसके पीछे शामिल है, गैंग में और शामिल है, इसको लेकर एसटीएफ मामले की जांच में जुटी हुई है। मथुरा गाजियाबाद बुलंदशहर के व्हाट्सएप पर ये पेपर वायरल हुआ था और अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस पेपर के वायरल होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, एक के बाद यूपी टीईटी की परीक्षा दोबारा से होगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गैंग के कुछ और ऐसे सदस्य हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और अब ये क्लियर करना आपके लिए बहुत जरूरी है कि एक महीने बाद ये परीक्षा दोबारा से होगी और अभ्यर्थियों को कोई फीस नहीं देनी होगी। अब इस पूरे मामले की जांच, कैसे पेपर लीक हुआ या क्या ही बरती गई, कौन कौन इसके पीछे शामिल है, इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ करेगी, ये बड़ी खबर है इस वक्त। मथुरा गाजियाबाद बुलंदशहर के व्हाट्सएप ग्रुप पर ये पेपर वायरल हुआ था, ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया पर गाजियाबाद मथुरा बुलंदशहर में ये पेपर वायरल हो रहा था। एडीजी प्रशांत कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत कुमार जी, बहुत स्वागत।